बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। जिन लोगों का जन्मदिन 1 मई को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले साल में, आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। वैवाहिक और पारिवारिक मामलों पर भी साल में आपको ध्यान देना होगा। हालांकि देखिए, राहत की बात यह है कि आपके करियर की स्थिति और आपके धन की स्थिति कुल मिलाकर संतोषजनक बनी रहेगी। वर्ष के अंत में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। साल के अंत में आप चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान सूर्य की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा, बहुत कल्याणकारी होगा। गर्भवती महिलाओं के ऊपर प्रभाव पड़ेगा ऐसा कहा क्यों जाता है? देखिए, ग्रहण जब होता है तो वो होता है पूर्णिमा पर या अमावस्या पर, यानी चंद्रमा उसमें इन्वॉल्व होता है। और चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के जल तत्वों को प्रभावित करता है, जहां जहां वाटर बॉडी है उसको प्रभावित करता है। महिलाएं जब गर्भवती होती हैं तो उनके गर्भ में वाटर फ्लूइड में बच्चा विद्यमान रहता है, और जिस वाटर फ्लूइड में बच्चा विद्यमान रहता है उसमें नमक और पानी का उतना ही इक्वेशन होता है जितना इक्वेशन समुद्र के नमक और पानी में होता है। इक्वेलेंट होता है, बिल्कुल वैसा ही होता है। अब चूंकि चंद्रमा समुद्र को प्रभावित करता है, हम सबको पता है, तो वो महिलाओं के गर्भ पर भी असर डाल सकता है, लेकिन बुरा ही डालेगा, ये नहीं कहा जाएगा। मैं ये कहूंगा कि जब महिला ये सोचती है कि मैं चंद्र ग्रहण को देख लूंगी या ग्रहण के परछाई में पड़ जाऊंगी और मेरा बुरा होगा, तो उसके गर्भ के बच्चे पर उसका बुरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसका मन जो है वो उसकी माँ के मन से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर कोई महिला शुभ चिंतन करे, बिल्कुल ये ना सोचे कि मेरे ऊपर कोई असर पड़ेगा, भगवान का स्मरण करे, भगवान की पूजा करे और ये सोचे कि ग्रहण कुछ भी हो मेरे ऊपर या मेरे संतान के ऊपर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा, अगर ये भाव अपने मन में मजबूती से रखे तो निश्चित रूप से ग्रहण का दुष्प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा। अगर आपको पीठ दर्द की समस्या है या कमर दर्द की समस्या है, तमाम उपाय करने के बाद, तमाम दवाई करने के बाद भी आप ठीक नहीं हो रहे हैं तो क्या करेंगे? आपको एक उपाय बताते हैं, वो उपाय करिए, लेकिन जो दवाई चल रही है या जो फिजियोथेरेपी चल रही है वो चलने दीजिएगा, उसको बंद मत करिएगा। साथ में ये उपाय करेंगे तो फायदा जल्दी होगा। क्या उपाय करेंगे? किसी भी मंगलवार या शनिवार को एक काला धागा ले लीजिए, इसे अपनी कमर में बांध लीजिए, 2 या 3 गांठ लगाइएगा और बांधते समय कहिएगा, नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासय रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, ये कहते जाइएगा और धागा अच्छी तरह से बांध लीजिएगा। ये धागा बांधने से बैक एक की, पीठ दर्द की, कमर दर्द की समस्याओं में सुधार होगा। लेकिन आप इस धागे को हर महीने बदल दीजिएगा, पुराने धागे को घर के बाहर फेंक दीजिएगा और फिर किसी दिन नहा करके नया धागा बांध लीजिए।